ये है इंडिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप और मैं इसके अंदर स्नीक करने वाला हूँ। ये क्रूज मुंबई से स्टार्ट होकर गोवा जाता है, इसलिए मैं मुंबई पहुँच गया क्रूज में स्नीक करने। बहुत ज्यादा है। अगर मैं मेन गेट से अंदर घुस भी जाता हूँ तो क्रूज की सिक्योरिटी को क्रॉस करना नामुमकिन है। क्रूज की टिकट के बिना घुसना इम्पॉसिबल है, स्नीक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं गोवा जाऊंगा फिर वहां से जाएंगे। क्रूज के गोवा पहुंचने से पहले मुझे गोवा पहुंचना होगा, लेट्स गो। गोवा जाने की ट्रेन में टीटी से बचकर मैं बहुत ही आराम से स्नीक कर गया और दूसरी तरफ मुंबई से क्रूज गोवा के लिए निकल चुका है। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था तभी पुलिस वाले ने ट्रेन से बिना टिकट वालों को निकाल दिया। मुझे छोड़कर ट्रेन और क्रूज दोनों गोवा के लिए निकल चुके हैं, लेकिन रात के 8 बजे गोवा के आखिरी ट्रेन में मैं स्नीक कर गया। लेकिन फिर भी क्रूज से पहले गोवा पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और जिसका डर था वही हुआ, मेरे पहुंचने से पहले क्रूज गोवा पहुंच गया। रात के 2:30 बजे गोवा आया है। सुबह 8 बजे मैं गोवा पोर्ट पहुंचा। क्रूज के निकलने में सिर्फ 2 घंटे हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्रूज में स्नीक करने के मेरे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता इंडियन नेवी के ऑफिस से होकर गुजरता है, यहाँ पर बहुत ही कम सिक्योरिटी है। दूसरा रास्ता है गोवा क्रूज पोर्ट का मेन एंट्रेंस, यहाँ पर मुझे 4 सिक्योरिटी गेट्स क्रॉस करने होंगे। ये तीनों में से सबसे मुश्किल रास्ता है। तीसरा और आखिरी रास्ता है समुन्दर का रास्ता, यहाँ पर सिर्फ 1 सिक्योरिटी गेट है, लेकिन उससे पहले 10 फीट की दीवार पार करनी होगी। सबसे पहले मैं गेट नंबर 1 ट्राई करने वाला हूँ। इधर नहीं आता है? मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था, उधर से जाना पड़ेगा। दो एरो होगा। अच्छा, फिर उतरना है। फिर मैं गेट नंबर 3 समुन्दर के रास्ते गया, लेकिन 10 फीट की दीवार देखकर वापस आ गया। अब मेरे पास सिर्फ 1 रास्ता बचा है, गोवा क्रूज टर्मिनल का मेन एंट्रेंस, और सिर्फ 10 मिनट है। प्लान सिंपल है, जो भी गाड़ी गेट के सबसे पहले अंदर जाएगी मैं उसके ड्राइवर से हेल्प मांगकर अंदर स्नीक कर जाऊंगा। ये ट्रक गेट के अंदर जाने वाली है, इसलिए मैंने इसके ड्राइवर से हेल्प मांगी। अंदर जा रहे हो? कोई तरीका है क्या? मतलब वहाँ पे तो हो जाएगा, शिप के बाहर निकलते हैं, वो लोग हम लोगों को देखे, वो लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं जाने दे रहे। वही प्रॉब्लम हो गया। आप लोग अंदर लेके जा सकते हैं क्या हम लोगों को? मैंने क्या है, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। टाइम खत्म हो गया और गोवा से क्रूज वापस मुंबई चली गई, क्योंकि एक और क्रूज गोवा से मुंबई जाने वाली है 3 घंटे बाद। मेरे पास एक और मौका है। 4 बस क्रूज से लोगों को लेने के लिए इस गेट के अंदर जाने वाली है और मैं इस बस में स्नीक करके अंदर पहुंच जाऊंगा। 2 बस है जो अंदर जाने वाला है, मुझे 1 में घुसना होगा। पहली बस लॉक है लेकिन दूसरी खुली है और ये मेरा आखिरी मौका है। मैं बस के अंदर स्नीक कर गया और सबसे आखिरी सीट पे जाकर सो गया और तभी बस का ड्राइवर आया गेट के अंदर जाने के लिए। बस स्टार्ट हो चुका है और ये बस 4 सिक्योरिटी गेट को क्रॉस करने वाला है। पहला सिक्योरिटी चेक बहुत ही आराम से क्रॉस हो गया, दूसरा वाला पहले से ज्यादा मुश्किल था, इसमें बस के अंदर लोग चेक करने आए थे। लेकिन मैं बच गया, लेकिन तीसरे सिक्योरिटी चेक में मैं फंस गया। सिक्योरिटी वाले बस के अंदर घुसकर चेक कर रहे हैं। यहां पर मैं बहुत ही मुश्किल से बचा। इसके बाद चौथा सिक्योरिटी चेक बहुत ही आसानी से पास हो गया। इतनी गर्मी में मुझे चक्कर आ रहा था और उसी वक्त क्रूज आ गया और लोग जैसे ही बस में आने लगे
मैं बस के बाहर निकल गया। अब क्रूज के अंदर स्नीक करने के लिए मुझे दो बार सिक्योरिटी चेक से बचना होगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर भी टिकट चेक होता है और अगर मैं यहाँ फंस गया तो पूरा मिशन फेल हो जाएगा। तभी क्रूज की सिक्योरिटी से एक गलती हुई, एक पैसेंजर का टिकट उसके रूम में ही छूट गया। उस पैसेंजर को वापस क्रूज में जाना पड़ा और उसके पीछे पीछे मैं भी जाने लगा। इस सिक्योरिटी को क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस सिक्योरिटी पॉइंट पर हर पैसेंजर का टिकट स्कैन किया जाता है। तभी दो सिक्योरिटी वाले मुझसे पूछताछ करने लगे। और उन्होंने मुझे अंदर रुकने के लिए बोला। मैं क्रूज के अंदर स्नीक तो कर गया लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर जाने के लिए भी मुझे टिकट चाहिए और वो मेरे पास नहीं है। गोवा से मुंबई जाने में क्रूज को 2 दिन लगने वाले हैं और मैं समुंदर के बीच में फंस चुका हूँ। इस 11 फ्लोर के क्रूज में 680 सिक्योरिटी वाले और हजारों सीसीटीवी कैमरास हैं और अगले 2 दिन मुझे खाना पीना नहाना सोना और एंटरटेनमेंट फ्री में जुगाड़ करना होगा। और अगर मैं पकड़ा गया तो ये लोग मुझे समुंदर में फेंक देंगे, इसीलिए सिक्योरिटी से बचने के लिए सबसे पहले मैं वॉशरूम के अंदर छिप गया। पिछले 24 घंटों से मैंने कुछ खाया नहीं है इसीलिए सबसे पहले मैं कुछ खाने वाला हूँ। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर भी सिक्योरिटी वाला है। मैंने कुछ देर वेट किया और जैसे ही सिक्योरिटी वाला बाहर गया मैं लिफ्ट लेकर फूड कोर्ट में स्नीक कर गया। मैंने जैसे ही ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया सिक्योरिटी वाला अंदर आ गया और मैं इस टाइम भी भूखा रह गया, इसलिए थोड़ी देर के बाद मैंने लंच के लिए स्नीक किया और मैंने इस बार खा लिया। फ्री फूड के बाद मुझे फ्री वाटर भी मिल गया। पूरे 30 घंटों के बाद मैं नहाने जा रहा हूँ। फ्री का नहाना भी हो गया और शाम को फ्री एंटरटेनमेंट का टाइम हो गया है। मैं थिएटर के अंदर स्नीक कर गया और यहाँ पर बहुत ही शानदार एंटरटेनमेंट हुआ फ्री में। लेकिन रात के खाने के टाइम पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी और इस चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। खाने के बाद मैं सोने का जुगाड़ करने गया लेकिन ये नहीं हो पाया और जागने के लिए मैं नाइट क्लब में पहुंच गया। लेकिन वहां पर सिक्योरिटी वाले आ गए और मुझे जल्दी से निकलना पड़ा। मैं रात में पूरे क्रूज में घूम रहा था, कभी नाइट क्लब कभी डिस्को और लास्ट में मैं कैसीनो पहुंच गया। रात के 3 बजे क्रूज के टॉप फ्लोर पर मुझे सोने की जगह मिल गई। आज दूसरा दिन है और क्रूज समुंदर के बीच में है। बहुत बेकार कॉफी बनाता है यार सच में। दूसरे दिन मैं नहा नहीं पाया। आज सुबह के ब्रेकफास्ट के टाइम पर सिक्योरिटी नहीं थी तो बहुत ही आराम से मिल गया और उसके बाद दोपहर का लंच भी बहुत ही आसानी से हो गया। लेकिन इंडिया का वर्ल्ड कप मैच देखते वक्त सिक्योरिटी वाला आ गया और मुझे क्रूज के कोने में जाकर बैठना पड़ा। आज के दिन एंटरटेनमेंट नहीं हो पाया और अगली सुबह क्रूज मुंबई पहुंच गई। लेकिन क्रूज से बाहर निकलने के लिए भी मुझे 2 सिक्योरिटी चेक से बचना होगा। पहला सिक्योरिटी चेक तो बहुत ही आसानी से पास हो गया लेकिन दूसरे सिक्योरिटी चेक में मैं फंस गया। I am trying to call someone who take my bag. I am cash actually. Yes, currency of card. He actually a guy from my neighborhood took my bag outside. You have your card? My Check card key. Was in that bag. That waste bag. Can I see your ID? Yeah. यहाँ पर बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। Actually, I have a friend who saw me down. So you cannot go out. Yeah, actually I am. Wo kahan gaya? He must be outside actually in the taxi. बहुत ही मुश्किल से मैं क्रूज के बाहर आ गया।